अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज बना रही हूँ आलू के पकोड़े। उसके लिए लिए हूँ मैंने बेसन और ये एक आलू, कुछ ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सी लहसुन, धनिया और ये अक्खा धनिया है, और ये थोड़ा कॉर्नफ्लावर। और इसमें ली हूँ मैंने बेकिंग सोडा, ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी। और इसमें ली हूँ मैंने करी पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इसको बैटर बनाने के लिए पानी, तो इसमें पहले ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ऑप्शनल है ये। फिर डालेंगे अक्खा धनिया, इसके बाद डालेंगे नमक और करी पाउडर, फिर इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा, अजवाइन, हल्दी और बेकिंग सोडा, और फिर इसके अंदर डालेंगे लहसुन, ये दो लहसुन की कलियां हैं, चार ग्रीन चिल्ली है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें डालेंगे हम बैटर के लिए पानी, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, थोड़ा थिक सा ही रखना है। अभी पकौड़ों के लिए हम आलू कट करते हैं। मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, अगर आपको इससे पतला चाहिए है आलू का पीसेस तो आप कट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट की हूँ। तो ये ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसके अंदर डालेंगे पकोड़ा फ्राई होने के लिए। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है इनको, हल्का सा फ्राई करना है अंदर का आलू कुक होने तक। एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें वक्त भी नहीं लगता है और स्नैक के हिसाब में भी अच्छा होता है, और बेकिंग सोडा होने की वजह से एसिडिटी वगैरह की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से फ्राई हो चुकी है ये। तो आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये हो गई है रेडी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप दुआओं में सबको याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।